मैं आल्हा गायक रघुनाथ टेलर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम से मौरत ध्वज की कथा आल्हा तर्ज में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भक्तों ध्यान देना, किस प्रकार से अर्जुन का घमंड श्री कृष्ण जी तोड़ते हैं और अपने भक्त मौरत ध्वज की दरवाजे जा रहे हैं। तो स्वार्थ की सब प्रीति है जग माँ, अपुत्र पिता भगनी महतारी। स्वार्थ के हैं कुटुम के लोगवाय, स्वार्थ की दुनिया सब सारी। कोई न बात करे बिन स्वार्थ, स्वार्थ ने सब बात बिगारी। सायत जी का बिताप दाय कहाँ धन, स्वार्थ वीरथ रिया बलिहारी। कथा शुरू है मोरज ध्वज का जो आल्हा मकिहन तैयार। अहंकार अर्जुन के होई गाव श्री कृष्ण ते कहाँ सुनाई। और हमसे भक्त नहीं न को दुनिया में इतना सुन लियो कान लगाए। वही समैया के अरसा माह श्री कृष्ण मन कराया बचार। लयके अब अर्जुन कहली योगी का भेष बनाए। अब साथे लीना बनी के राजा का जिनका जान सकल जहान। साथे सिंह साथ महल कहती नव को चदिया करवाए। मौरज ध्वज के अब द्वारे पर योगी अलख जगायो जाए। खड़े संतरी रहे फाटक पर नंगी हाथ लिए तलवार। तब महात्मा ऐसन बोले ए दरबानी बोल बनाओ। ओ कहाँ दरबार हवे राजन का हमका हाल दियो बतलाए। आए बतावा मौरज धरते अब नहरा कय देर लगाए। और तुझ तो महात्मा डेउही पयाए राजन मानो कहा हमार। और साथे सिंह हवय बनिकायो यतनय मानो कहा हमार। खबरिया जब संतन के मौरज ध्वज के सुनो हवाल। तब तुरत ही उतर परे गादी से संतन पास पहुँचे जाए। और चरण लाग के भी संतन के यो माथे मालियो लगाए। वही साधु बोलन लागे मौरज ध्वज ते कहा सुनाए।
और बिना बताए तुम ना जानी हो राजा ना सुन लियो काना लगाए। और तीन रोज के भूखे योगी आए अब तो द्वार तुम्हार तो भूखा सिंह हमारो यतना इतना तुम्हें रहन बतलाए। तम तम मोर ध्वज बुलाए इतना कहना रहा हमार ओ तब तो मोर ध्वज ने ऐसे ऐसे कहा बचन समझाए कि भोजन तैयार हुए महलन मामाए ले लियो जवनारी। तब महात्मा ऐसा बोले राजन मानो कहा हमार ओ भूखा सिंह हमारे साथ पहले भोजन दियो कराए की समैया के हर सामा राजा कहाँ बचन समझाए। मांस मंगाया दया बहाने पे तिमते साँच रहन बतलाए साप जवाब दिया महात्मा राजन मानो कहा हमार। भूखा सिंह हमारो साथे यही का भोजन दियो कराए। छोटा बच्चा तुम्हारे घर हो वही का मांस दियो खिलवाए। वही समैया के हर सामा राजा गयो सना का खाए। तब जोरे गदोरिया राजा बोल मालिक मानो कहा हमार। अरे कदोरिया राजा बाले राजा कहे बचन समझाए। ओ ये के पुत्र हमारे जन्मे दूसर नहीं लियो अवतार। आय बतावा वीरानी ते रानी कहे बचन समझाए। ऐसे दानी तुम स्वामी हो वैसे तीन लोक मनाए। ओ बेसक लड़का चीर क दे वो भिंग का भोजन दियो कराए। ओ तुरंत बुलावा अब रोहित का इतना मानो कहा हमार। तुरंत बोलावा अब ये समय इतना बचन करो पार मार। माता मर ध्वज का फिर बोलवा ये माता का है बचन समझाए। और दूठ महात्मा डेउढ़ी बयाए तुम ते साँच रहन बतलाए। और सिंह तो उनके अब साथ है भूखा तीन रोज का जाए। तुम्हारा भी मागत है हम ना माने कहा हमार। तो सिंह तुम्हारा तुम्हारा खाएगा बेटा हमारा कहा हमार। तो मोर ध्वज ने बोलन लाग्यो मैया सुन लियो कान लगाए। अब देखिए मौर ध्वज की पत्नी धर्म पत्नी अपने बेटे से कह रही हैं रो रो करके बेटा तुम्हारा मांस सिंह को खाने के लिए मांग रहे हैं। तो रतन कुमार बोल रहे हैं अपनी माता से कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति और हिरण की खाल योगी यति मन भाई है। शाबर की खाल को म्यान में काम देता है और गैंडा की खाल को ढाल में लगाई है। रोए रोए कहे रतन कुमार माता अपनी से ये मानुष की खाल कोई
कामना आई है। बेशक माता जी मुझे उस सिंह का आहार करवा दीजिए। तो वही समैया के आओ शर्मा राजा बलाए वचन सुनाए। पांच वर्ष का रतन कुमार राह साथ लेके चलो हलवाई। जहाँ पा बैठे साधु महात्मा लेके तुरत पहुँच गयो जाए। जोरे गदोरिया रानिया बोल के बाह बज पैया परम तुम्हारी। बेटा रतन कुमार है दूसर नहीं लिहे अवतार। इतना भारी सिंह तुम्हारे अब कुछ भला हुए को नाई। मंत आपनो हम दे जाबे ओ सिंहो का करे आहार। अब साफ जवाब दिए महात्मा जी अपना हरा खाया तेरा लगाई। वही समैया के यार समा इतना वचन करो परमार। लेके यारा तुम अब आओ सुत पर यारा दियो चलाए। ये समैया के यार सामा राजा सोच सोच रह जाए। और साफ जवाब दे ये संतन का तो हो जावे गजब का बात। धर्म हमारा खंडित हो जाए तो हम करबे कौन उपाय। राजा दोनों प्राणी अपना राखे देर लगाए। तुरतारा का मंगवा मैं इतना मानव कहा हमार। पांच बरस का रतन कुमार रहते ही पर यार रेडियो चलाए। झूठ फुहारा है दे ही ते बेटा रोए रकत के यार। समैया के अरतामा बहुत मानो कहा हमार। अब तुरते फाड़ दियो बेटा का अब सिंह है का करें यार। तब ही महात्मा बोलन लागे रानी सुन लियो कान लगाए। अब कैसे कया से ढूरे ये समय में हमका हाल दियो बतलाए। सियाबानी मरानी बालया बाबा जी पैया परों तुम्हार। अब एक अंग तो सिंह तो खावे दूजे अंग करब हम काए। और दूसर अंग कहाँ पर धरबे हम का हाल दियो बतलाए। और दूसर अंग धरे कमरा माया बना रखे तेर लगाए। समैया के अरसामा सिंहक तोड़ते किया यार। ओ भाई महात्मा भी बेरिया मार रानी सुन लियो कान लगाए। ओ भोजन तैयार करो महलन माया अब हम जेल आप जेवनार। ओ भोजन मनावा है महलन मारु चुरुच रानी करें तैयार। महात्मा ऐसे बोले रानी सुन लियो कान लगाए। और तीन थाली परसी हुआ पर तुम ते साँच रहन बतलाए।
ओए महात्मा ऐसा नब अलय रानी है वचन करो परिमाण ओ दियो आवाज अबे बेटा काया बना राखो देर लगाए ओ दिया आवाज जब है बेटा का बेटा सुनो हमारी बात भोजन करने बैठे महात्मा साथे जे लियो जवनार जैसे आवाज दिए बेटा का बेटा यते बराबर आए और यह गत देखा मौर ध्वजन तो मन मा गयो सना का खाए और चरण लाज कवि संतन के यो माथे मालियो लगाए रद्ध तो मन मा जान तो तीन लोक के नाथ और तब तो महात्मा बोलन लाग्यो रानी सुन लो कान लगाए पूरी तपस्या तुम्हारी हो गए इतना मानो कहा हमारे और जो कुछ मांग के इच्छा हो वे अब तुम मांग लियो यही चाहे तब देखो मौर ध्वज की रानी क्या कह रही है और उस साधु महात्मा क्या कह रहे हैं कि मांग के राज लियो ताहे पुर कै मांग के लियो मैं कुंठा निशानी मांग के राज लियो ते ही पुर कय मांग कलियो वैकुंठ निशाने सोला सिंगारा तो मांगिल रानी है इंदर कय इंद्रासन रानी बड़े तुम दानी भयो मोरे पियवा से मांग पसारी के माही अब पूरब से गंगा पछा बहाए भिख मांगा न ते हम मांग तनाई जोरे कदोरिया रानी बाला बाबा पैया पराऊं तुम्हारी और जब जब हुए जन्म दुनिया माँ स्वामी हमें मिले इन आए और यह बेटा रतन कुमार यो हमारे जन्म लिया फिर आए कह दिए बेरिया माँ तब आगे का सुनो हवाल अन्य राजा मोर ध्वजो दूसर नहीं रचो करतार देख के दसायो भैया इसके यतन मानव कहा हमार अर्जुन देखा या फिर गतियो मन मा गयो सना का खाय एक भक्त दुनिया माँ उनकी है कोई बराबर नाय आला होएगा मोर ध्वज का यही समय के बीच मैदान गंगा कैसे तो दिल्ली वाले जिनका जान नहीं सकल जहान तरह तरह का भोजपुरी आला अब गंगा माँ भयो तैयार बड़ी सुरीली हवाई आवाज यो बढ़िया आला किया तैयार नाम हमारा रघुनाथ यो टेलर ब्रह्मपुर वाम बना मकान जिला हमारा बारह बैंकी पोस्ट भेलवल लगई हमार जैसा मोर ध्वज का किस्सा हमें अल्हामा दिया सुनाए।